नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। जिसने वादा किया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, वही शख्स अगर रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डों, नवरत्न कंपनियों की बोली लगाने लगे तो आपको शक करना चाहिए। सरकार सब बेच कर ठीक कर रही है, ऐसा कहने से पहले इस बिंदुओं पर भी सोचे। अमरीका में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद है? फेसबुक में सीईओ मार्क जुगसबर्ग को अमरीकी सांसद में बुलाया गया और उनसे 5 घंटे पूछताछ की गई। आरोप था कि फेसबुक से करोड़ों लोगों की निजी जानकारी लीक हुई और उसका सियासी दुरुपयोग हुआ। फेसबुक के जरिए राजनीतिक सेंसरशिप का काम किया गया। इस संबंध में अमरीका और ब्रिटेन में जुगसबर्ग तलब किए गए और उन्हें सांसद में जाकर जवाब देना पड़ा और उनकी जवाबदेही तय की गई। जुगसबर्ग को यूरोपीय यूनियन में भी तलब किया गया। ब्रिटेन और अमेरिका में सख्त कानून बनाने को लेकर चर्चाएं हुई। जुगसबर्ग को डिजिटल गैंगस्टर कहा गया। डाटा के गलत इस्तेमाल, चुनावों के हस्तक्षेप, फेक न्यूज, साइबर बुलिंग और टैक्स की चोरी के आरोपों के बाद उनसे पूछताछ हुई। इसके बावजूद नरमी बरतने के लिए यूरोपीय सांसदों की आलोचना हुई। डाइचे वेले ने लिखा, जब यूरोपीय संसद में मार्क जुगसबर्ग की पेशी हुई तो सांसदों ने दिखाया कि वे कितने कमजोर हो सकते हैं। भारत में भी ऐसे आरोप है, बल्कि इसे गंभीर आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में सांप्रदायिक सामग्री के को प्रसारित किया गया, जिससे समाज को बांटने में मदद मिलती है। क्या भारत में ऐसा संभव है कि जुगसबर्ग को सांसद तलब कर ले? भारत में एक उद्योगपति को प्रधानमंत्री की पीठ पर हाथ फेरते हुए सपने देखा था, लेकिन क्या कभी किसी उद्योगपति को सांसद से नोटिस भेजा गया? फिलहाल हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हम बस ये सुनते हैं कि कॉरपोरेट सत्ता को कंट्रोल कर रहा है। जिन देशों ने खूब निजीकरण किया है, उन्होंने सख्त रेगुलेशन किया है, उनकी संस्थाएं कमजोर नहीं है। कानून बनाकर सूचना आयुक्तों, लोकपालों और जांच एजेंसियों की शक्तियां नहीं छीनते, उसे मजबूत करते हैं। यूरोप के ज्यादातर देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार की है। निजीकरण के बावजूद वे कल्याणकारी राज्य की जिम्मेदारियों से नहीं भागते। क्या भारत में निजीकरण के मद्देनजर सख्त रेगुलेशन किया गया या इसकी कोई योजना है? भारत यूरोप नहीं है, भारत गरीब देश है। करोड़ों लोगों के लिए रोजी रोटी ही सबसे बड़ा सवाल है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सरकार की मदद के बिना इनसे नहीं निपट सकते। क्या आपको लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी, रेलवे जैसी बुनियादी सेवाएं प्राइवेट हाथों में दे देनी चाहिए?